नमस्कार, मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज में आज दो ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे जो एक नाना करते करते ना बन पाए सीएम और एक उनके बारे में बात करेंगे जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और हम आज बात करने वाले ये हैं कि जो ना बन पाए मुख्यमंत्री वो आज इंटरनली बीजेपी पर कैसे सवाल कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। और इतना ही नहीं, 2022 के चुनाव में एक भी दिन योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया, उनके लिए चुनाव प्रचार नहीं किया। क्या है कहानी, बड़ी वजह आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी के बारे में, जो 2017 में नहीं बन पाए सीएम। नहीं क्यों बन पाए, उसके पीछे ये वजह है कि किसी को भी पता नहीं था कि 2017 में सीएम जो होंगे वो योगी आदित्यनाथ होंगे। लेकिन अचानक से सीएम योगी को सीएम बनाना सबके लिए जो है एक भूचाल मचा दिया। और वरुण गांधी की कहानी वहीं पे बंद हो गई। वहां उनका एक सिर्फ ट्वीट है जो सीएम योगी के साथ में है, उनके लिए जो है उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद से उनके ट्विटर हैंडल पर एक भी ऐसा ट्वीट नहीं है जिसमें सीएम योगी की तारीफ हो या उनके कामकाज की तारीफ हो या उनकी नीतियों की तारीफ हो। हमेशा से उसके बाद इन 5 सालों में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हों या फिर पीएम मोदी, ये लगातार ये लोग कहते रहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री है। ये लगातार कहते रहे कि यूपी तरक्की कर रहा है, यूपी में बदलाव हो रहा है, यूपी उत्तम हो रहा है। लेकिन वरुण गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि आज कानून व्यवस्था ठीक है। वो हमेशा से सवाल उठाते रहे कि कानून व्यवस्था सही काम नहीं कर रही है, गरीबों पे जुल्म ढा रही है, अमीरों का साथ दे रही है। एग्जाम्पल दिया उन्होंने हाथरस का, एग्जाम्पल दिया उन्नाव का, एग्जाम्पल दिया उन्होंने किसान आंदोलन यानी लखीमपुर खेरी हिंसा का। देखना यही होगा कि क्या वरुण गांधी ने जो सीएम योगी का प्रचार नहीं किया है, क्या उससे जो है उनको नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये 10 मार्च को पता चल जाएगा। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।